हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक खूबसूरत से निटिंग पैटर्न के साथ आई हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखने वाला लेस निटिंग पैटर्न है। ये लेडीज़ कार्डिगन्स में, शॉल्स में, स्काफ में बहुत अच्छा लगेगा। इजी निटिंग पैटर्न है, कुछ इस तरह से देखने वाला। मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है आगे किस तरह से बनेगा। फ्रंट से कुछ इतना दिखता है, बैक से कुछ। इसे बनाने के लिए जो ओवरऑल रोज लगती हैं वो 8 रो हैं, और ओवरऑल ये 8 रोज में बनने वाला है। 10 के मल्टीपल्स में इसके फंदे पड़ते हैं, और 2 फंदे एज के और 1 एक्स्ट्रा। मैंने अब 10 के मल्टीपल में फंदे डाले, साथ में 2 एज के और 1 एक्स्ट्रा, मैंने 3 फंदे एक्स्ट्रा और डालेंगे, तो ये आपका पैटर्न तैयार हो पाए। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए जो मैंने फंदे कास्ट ऑन किए हैं वो 10 के मल्टीपल में कास्ट ऑन किए हैं। 2 पैटर्न डाले हैं, मैंने 20 फंदे वो 1 एक्स्ट्रा इसको मेंटेन करने के लिए, और 2 एज के, तो मैंने टोटल 23 फंदे हैं। और इसे पहला रो स्टार्ट करते हैं। पहला एज का फंदा है जिसे उतारेंगे, दूसरा फंदा इसमें पर्ल उल्टा बुनेंगे, तीसरा यार्न ओवर करेंगे, चौथा फंदा नेट करेंगे, 2 फंदे एक साथ नेट 2 टुगेदर, इस तरह से 2 फंदों को एक करते हो नेट 2 टुगेदर, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर स्लिप नेट और पास। एक फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा बुनेंगे और तीसरे को उसके ऊपर से निकाल देंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे। इस तरह करते हुए ये पहला रिपीट कंप्लीट हुआ। दोबारा करेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे और इसके बाद ये फंदा उल्टा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक नेट करेंगे, 2 फंदे एक साथ नेट 2 टुगेदर करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 फंदा नेट करेंगे, स्लिप करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फंदा नेट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, और आखिरी वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, और ये एच का फंदा उल्टा बनेगा। कुछ इस तरह करते हुए ये पहली लाइन हमारी कंप्लीट हुई है। सेकंड लाइन में सारे फंदे उल्टे बुनने वाले हैं, इसमें पूरी सिलाई उल्टी उल्टी। सेकंड सिलाई इसकी करेंगे कुछ, पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे, बाकी के फंदे हम इसमें जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं वैसे बुनेंगे, माने उल्टे उल्टे, जहां तक उल्टे नजर आ रहे हैं वो सारे उल्टे बुनेंगे। ये सेकेंड रो है, माने इसमें जो फंदे जैसे थे उसे वैसे ही बनाना है। अब आ गया इसका थर्ड रो। थर्ड रो में हमें पहला फंदा इसका एज का उतारेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे, तीसरा यार्न ओवर करेंगे, फिर उल्टा एक फंदा बुनेंगे, फिर एक यार्न ओवर करेंगे, और फिर ये 2 फंदे, ये जो 2 फंदे हैं निट 2 टुगेदर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, निट 2 टुगेदर करेंगे, और ये सेंट्रल डिक्रीजिंग करेंगे, सेंट्रल डबल डिक्रीजिंग, माने ये 3 फंदे हैं, इनको 3 का 1 करना है। पहला फंदा, दूसरा फंदा उतारा, पहले फंदे को वापस निडल पे लिया, दूसरे को राइट निडल पे लिया, और पहला और तीसरा फंदा निट वाइज बुन दिया, और ये जो दूसरा फंदा है इसे पास ओवर कर दिया, सेंट्रल डिक्रीज किया, उसके बाद एक स्लिप किया, दूसरा नेट किया,
और इसे पास ओवर कर दिया। फिर एक यान ओवर किया और ये फंदा उल्टा बुन दिया, फिर एक यान ओवर किया। इस तरह करते हुए ये पहला रिपीट कंप्लीट हुआ है। मैं दोबारा दिखाती हूँ, एक उल्टा बुनेंगे, यान ओवर करेंगे, उल्टा बुनेंगे, यान ओवर करेंगे, दो फंदे एक साथ इकट्ठे बुनेंगे, निट टू टुगेदर। फिर ये तीन फंदे जो हैं उनका हम तीन का एक करेंगे, कुछ इस तरह से उतारेंगे, राइट नीडल पर सेकंड फंदा लेंगे, इन दो फंदों को दूसरा और तीसरे फंदे को एक साथ बुनेंगे और जो सेकंड फंदा हमने राइट नीडल पर लिया था उसे उतार देंगे और फिर एक स्लिप करेंगे, एक नेट करेंगे, इसे पास ओवर करेंगे, यान ओवर करेंगे, एक पर्ल करेंगे, उल्टा बुनेंगे, एक यान ओवर करेंगे, आखिरी वाला फंदा उल्टा बुनेंगे और ये एज का उल्टा बुनेंगे। इस तरह करते हुए ये मेरी रो सेकंड को थर्ड कंप्लीट हुई। फोर्थ रो को कुछ इस तरह करेंगे, पहला फंदा हम उतारेंगे, दूसरा सीधा बुनेंगे, फिर ये तीसरा उल्टा बुनेंगे, चौथा सीधा बुनेंगे, पांचवा उल्टा बुनेंगे, छठा उल्टा बुनेंगे, सातवां उल्टा बुनेंगे, आठवां उल्टा, नौवां उल्टा, दसवां सीधा, ग्यारहवां उल्टा, बारहवां सीधा, तेरहवां उल्टा, चौदहवां सीधा, पंद्रहवां उल्टा, सोलह उल्टा, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस। ओवरऑल इन शॉर्ट बोलूँ ना तो जो फंदे जैसे नज़र आ रहे थे आपको वैसे बुनिएगा मैं, क्योंकि इसके बाद से आपको आगे की सलाइयाँ ही दिखाने वाली हूँ, पीछे आपको जो फंदे जैसे नज़र आए वैसे बुनिएगा। ये रो थर्ड कंप्लीट हुई है, फोर्थ कंप्लीट हुई है। फिफ्थ रो में कुछ इस तरह से पहला एज का फंदा उतारेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ से रिपीट शुरू करेंगे अपना, एक नेट, एक स्लिप, नेट, पास ओवर, एक नेट, एक यान ओवर, एक यान ओवर, एक उल्टा बुनेंगे, एक यान ओवर, एक नेट, ये नेट टू टुगेदर दोनों को मिला करके एक, दोनों को मिला करके एक नेट टू टुगेदर, दो नेट। ये पहला रिपीट कंप्लीट हुआ। सेकंड रिपीट सेम है, एक नेट, स्लिप, नेट, पास ओवर, एक नेट, एक यान ओवर, एक नेट, एक यान ओवर, एक पर्ल, एक यान ओवर, एक पर्ल, एक यान ओवर, एक नेट, नेट टू टुगेदर, ये दो फंदों को एक साथ मिला करके नेट टू टुगेदर, ये नेट दो और एच का फंदा हमारा उल्टा। ये थर्ड सिलाई, सिक्स नंबर की सिलाई, जैसे जो फंदे नज़र आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल वैसे वैसे ही बुनेंगे। कुछ फंदे हमारे यहाँ पर सीधे आएंगे, अदरवाइज सारे फंदे उल्टे रहेंगे। रो जो है मेरी सिक्स कंप्लीट हो गई है। सेवेंथ रो कुछ इस तरह से है, पहला फंदा एच का उतार लेंगे,
एक स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे। यहाँ से रिपीट शुरू होता है, एक स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, यान ओवर पर्ल करेंगे, यान ओवर पर्ल करेंगे, यान ओवर पर्ल करेंगे, यान ओवर करेंगे, ये टू टुगेदर कर देंगे, नेट टू टुगेदर, दोनों को एक साथ बुन देंगे। और यहाँ सेंट्रल डिक्रीज है, ये तीनों का एक करना है कुछ इस तरह से। सेकंड फंदा, फर्स्ट फंदा लिया, सेकंड राइट पे लिया, फर्स्ट और सेकंड को नेट वाइज बुना और इसे पास ओवर किया। इस तरह करेंगे। यहाँ पहला रिपीट कंप्लीट हुआ, सेकंड रिपीट, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा नेट करेंगे, इसे पास ओवर करेंगे, यान ओवर पर्ल, यान ओवर पर्ल, यान ओवर पर्ल, यान ओवर, निट टू टुगेदर, दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। निट टू टुगेदर, दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और फिर एक बार नेट टू टुगेदर करेंगे। और ये आखिरी फंदा एज का बुनेंगे। इस तरह कर तो ये मेरी रो कंप्लीट हुई है। सेवेंथ रो, एथ रो में जो फंदे जैसे हैं वैसे, एक उल्टा सीधा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, उल्टा उल्टा, उल्टा सीधा उल्टा, सीधा। इस तरह से पैटर्न कंप्लीट होता है मेरा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।